शर्मा जी के तो पिताजी जो है वो हमारे कांग्रेस पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेता थे। मेरा विधानसभा क्षेत्र भी उनके साथ लगता है। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के वो दाहिने हाथ कहलाए जाते थे, दाहिने बाजू कहलाए जाते थे। संतराम जी ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी इतिहास में पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री को जो है उठा के लेके जबरन लेके गए हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी हमारे साथी 6 विधायक जो थे, जिसमें काफ़ी लोग जो हैं वो सीनियर पदों पे रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं पार्टी के में, हमारे AICC जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और पार्टी ने उनके लिए हमेशा मान सम्मान दिया। और सुधीर शर्मा जी के तो पिताजी जो हैं वो हमारे कांग्रेस पार्टी के काफ़ी वरिष्ठतम नेता थे। मेरा विधानसभा क्षेत्र भी उनके साथ लगता है। और उन्होंने हमेशा ही पार्टी हित में पार्टी को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास किया। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के वो दाहिने हाथ कहलाए जाते थे, दाहिने बाजू कहलाए जाते थे, और हमेशा एक समन्वय बन के जो है उन्होंने प्रदेश में, चाहे कांग्रेस अच्छी परिस्थिति में रही हो चाहे बुरी परिस्थिति में रही हो, संतराम जी ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। सुधीर शर्मा जी भी कांग्रेस पार्टी में सम्मानित पदों पर रहे हैं। राजेंद्र राणा जी जो हैं वो भी पार्टी में सम्मानित पदों पर रहे हैं, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट जो है बनाया गया, जबकि वो खुद भारतीय जनता पार्टी पृष्ठभूमि से आते थे। हमारे लखनपाल जी जो हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। रवि ठाकुर जी जो हैं वो उनके माता जी जो हैं वहाँ के विधायक कई मर्तबा रहे हैं।